नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। सिरसा में आज कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए रोष प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बिजली पानी के मुद्दे को लेकर के सिरसा के भगत सिंह चौक में मटके फोड़े और ट्यूबलाइटें लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और सरकार को बिजली पानी के प्रबंध करने के दावों को विफल बताया। आप देख रहे हैं पल पल सिरसा से अमर सिंह की ये रिपोर्ट। जी हाँ, आज सिरसा में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बीजेपी सरकार देश और प्रदेश में बिजली पानी का प्रबंध करने में बुरी तरह से नाकाम रही है, जिसके चलते किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। वहीं रात को बिजली पूरे तौर पर गुल रहती है, जिससे देश और प्रदेश में लोग दुखी और परेशान हैं। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि जब तक सरकार बिजली पानी का पूरे तरीके से सही प्रबंध नहीं करती, कांग्रेस तब तक सरकार के खिलाफ यूं ही रोष प्रदर्शन करती रहेगी। आप देख रहे हैं सिरसा से पलपल की ये खास रिपोर्ट। आज हम सभी कांग्रेस प्रधान श्री राहुल गांधी जी के देश से और डॉक्टर अशोक तंवर जी, जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान हैं, उनके आदेश से सिरसा में मटका फोड़ और ट्यूब लाइट फोड़ बिजली के मतलब में प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो जब से सरकार बनी है हिंदुस्तान में और हरियाणा में, कोई भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया, लोगों को ठगा है और इसके विरोध में हम ये प्रदर्शन करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मगर जो बिजली का प्रबंध है वो अभी तक भी नहीं हुआ और पानी का प्रबंध अभी तक भी नहीं हुआ, नहरें खाली पड़ी हैं और किसी भी वर्ग को कोई राहत नहीं है। इस सरकार के खिलाफ, हरियाणा की सरकार के खिलाफ और हिंदुस्तान की सरकार के खिलाफ, जब तक ये सरकार हम बदल नहीं जाती तब तक ये धरने प्रदर्शन जारी रहेंगे। मटका हो, ट्यूबलाइट हो, ये हमारे राहुल गांधी जी जो लुटिया कांग्रेस के प्रधान है, उन्होंने निर्देश अनुसार, डॉक्टर अशोक तंवर जी जो प्रधान है उनके निर्देश अनुसार, आज हमने कांग्रेस भवन से चलकर पैदल चलकर मटका लेकर और ट्यूबलाइटें लेकर जो है प्रदर्शन किया है और यहाँ आके जो मटके भी फोड़े हैं और ट्यूबलाइट भी फोड़ी है। ये सरकार निकम्मी है, जब से सरकार बनी है इन्होंने एक भी वायदा पूरा नहीं किया। आज किसान भुखमरी के कंगाल पर आत्महत्याएं कर रहा है, नहरों में पानी नहीं है, पीने के लिए पानी भी दूर दूर से लाता है, इसी तरह लाइट जो है कट पे कट रहती है। कांग्रेस पार्टी आज सभी साथियों सहित यहाँ के प्रदर्शन किया है और कांग्रेस पार्टी आगे भी सरकार के खिलाफ जो है विरोध प्रकट करती रहेगी। और आज बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया, जनता बिल्कुल नाराज है और इसीलिए कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, बिजली भी प्रबंध करो और पानी का प्रबंध करो।